हेलो एवरीवन, और मैं कैसे रखती हूँ अपने घर को नीट और क्लीन, आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने अपने बालकनी को साफ़ किया है, चिमनी को साफ़ किया है, अपने टैब और बेसिन को भी साफ़ किया है, वही सब दिखाने वाली हूँ। दो दिन पहले हमारे घर में सोफ़ा रिपेयरिंग हुई थी, जिसकी वजह से फ्लोर पे कुछ इस तरह के ग्लू के निशान थे। पता नहीं क्या केमिकल यूज़ किया था, उसके बड़े भयंकर निशान थे, तो मुझे आज वो साफ़ करने हैं। मेरे पास है ये पेरीवेयर का सोल्यूशन, और इसी को मैंने डाल के इसे 2 मिनट लगा के छोड़ दिया है। ये मेरे पास एक प्लास्टिक और स्टील का जूना ये मैंने मिला के रखा हुआ है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है इस तरह की क्लीनिंग की, जब भी कोई स्पॉट लगता है फ्लोर पे, मैं इसी से साफ़ करती हूँ। इससे इजीली रब करके साफ़ हो जाता है। और इसी तरह मैंने अपनी पूरी पोर्च साफ़ की है। मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन ये अगर मैं नहीं करूँगी तो ये बहुत गंदा लगेगा। ये कुछ प्लांट्स थे मेरे बालकनी में, जो उन पर काफ़ी डस्ट हो गई थी, वो मैंने अच्छी तरह से धुले और अच्छी तरह अपनी पूरी बालकनी को साफ किया। और भाई, अब सर्दियां हैं, चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं, तो मेरे घर में फ्लावर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस ये कुछ पॉट रखे हुए हैं, कुछ हैंगिंग की मैंने लगाए हुए हैं, इन सब में मुझे थोड़ा पानी वानी देना था, वो सब मैंने किया। ये हैंगिंग और जो स्टैंड जो भी दिख रहा है आपको, ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। ये छोटे वाले पॉट्स मैंने लिए हैं बाहर से, और ये जो गमले दिख रहे हैं आपको रेड, ये सारे मैंने कुछ दिन पहले ही पेंट किए हैं। कुछ पुराने हो गए थे, कुछ नए थे, तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो अब ये सारा कॉम्बिनेशन एक जैसा हो चुका है। ये बाहर भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। ये शू रैक है, इसके ऊपर मैंने ये ग्रास की जो शीट थी ये काट के लगाई है, और ये इस पे प्लांटर रखे हुए हैं थोड़े डेकोरेशन के लिए। और ये एक स्टैंड है, ये पुराना स्टैंड है, मैं सोच रही हूँ इस पर भी वाइट पेंट करूँ। ये पेंट के 3-4 डब्बे हैं, और इनको भी मैं पेंट करके इसमें भी सीजनल प्लांट लगाने वाली हूँ। और ये प्लांटर जो है ये मैंने लिया था यहीं बाहर एक नर्सरी से। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ अपना बेसिन और टैब। मैंने इसमें डाला है हार्पिक, और इससे ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और टैब के लिए ये दिख रहे हैं आप, वाइट कलर के पानी के ही धब्बे हो चुके हैं टैब पे। जनरली कुछ दिन बाद ही हमें टैब बड़े गंदे से लगते हैं, तो उसके लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया और उस पर ज़रा सा टच करके मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी लगा के। तब तक मैं कुछ और कर लूँगी, और ये 2 मिनट बाद मैं इस पर पानी डाल के इसे साफ़ करके उसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि आप अपने टैब इतने क्लीन कैसे रखती हो, तो मैं उस यही बताना चाह रही थी कि ये पेरीवेयर का एक सोल्यूशन है, जो मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था। कुछ टाइम पहले नहीं, कुछ मंथ पहले हमारे कुछ टैब में दिक्कत आ गई थी, तो पेरीवेयर कंप्लेन की, तो वहाँ से जो बंदा आया था उसने मुझे बताया कि मैम आप ये यूज़ करिए, अच्छा है। ये 3 केमिकल हैं, हार्पिक, लाइजोल और पेरीवेयर, ये मैं तीनों यूज़ करती हूँ, एक फ्लोर क्लीनिंग के लिए, एक बेसिन के लिए और एक टैब के लिए। तो सारा बेसिन के आसपास का एरिया मैंने उसी कपड़े से क्लीन कर लिया है और पानी से धो दिया है। उसके बाद मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। छोटा सा पॉट है, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये घर में थोड़ी बहुत चीज़ें, ये प्लांट मुझे अच्छा लगता है, इसको बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं होती। पानी भी अगर आप नहीं देते तो भी ये हरा भरा रहता है। और ये भी पॉट मैंने बाहर से लिया था, और ये वाला प्लांट मेरे दोनों वॉशरूम में है और बाहर भी है। जो आपने शू रैक देखी थी उसके ऊपर एक टॉर्टोइस वाला प्लांटर था, उसमें भी ये लगे हुए हैं। इसको हफ्ते भर पानी नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका होल के पास जो स्टील वाला ये पार्ट है, ये भी पूरा चमक चुका है। और सब कुछ मैंने अच्छी तरह से
क्लीन कर दिया है। घर नया हो या पुराना हो, अगर साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छा लगता है। 2 साल पहले हम इस घर में शिफ्ट हुए थे और मुझे लगता है, देखिए अब यहाँ देखिए ये वाइट कलर की स्पॉट है ना, बस यही मुझे साफ़ करने हैं सारे अच्छी तरह। हाँ तो मैं बता रही थी कि 2 साल पहले हम लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ और मैं चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके टैब ज़्यादा गंदे हो गए हैं और वो तो आप ये केमिकल यूज़ कीजिए, आपको रिज़ल्ट दिखेगा। और अगर और ज़्यादा गंदे हैं तो आप कोई पुराना टूथपेस्ट लेके और उससे रब करिए तो ईज़िली साफ़ हो जाएंगे। अब है चिमनी, चिमनी को मैं सोच रही थी बस मैं इतना खोल के इसका ये ऑयल निकाल लूँ, लेकिन मुझे ये ज़्यादा गंदी लगी तो मैंने दिवाली पे साफ़ की थी। और जब आप चिमनी साफ़ कर रहे हो तो आप सारा ऑयल न्यूज़पेपर से निकाल लें और इस न्यूज़पेपर को डस्टबिन में डाल दें। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी कपड़े से साफ़ करें और फिर उस कपड़े को वॉश करके दोबारा यूज़ कर लें तो नहीं, चिमनी बहुत ऑयली होती है, बहुत ऑयली हो जाती है। इसलिए मैं इसको, मैंने गीज़र यहाँ ऑन कर दिया है, गर्म पानी कर लिया, उसमें खूब सारा सर्फ डाल लिया है क्योंकि यहाँ विम काम नहीं करता। आप न्यूज़पेपर से उसे अच्छी तरह से साफ़ करके ऑयल को फेंक दें और जो भी आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसे भी फेंक दें और अच्छी तरह से ऑयल निकल जाए, तभी उसे सर्फ और गर्म पानी से साफ़ कर लें, वरना नहीं, वरना आपकी सिंक में ऑयल ऑयल हो जाएगा, सारी चीज़ें चिकनी हो जाएंगी। अब मैं इसे खोल लूँगी, इसमें 2 वाइट कलर के नट हैं, उसे मैंने नाइफ़ की हेल्प से खोल लिया है और ये बहुत ईजिली खुल जाते हैं। इसकी ये 2 पार्ट होते हैं, ये जाली और एक ये, इसी में ऑयल आ जाता है सारा। तो ये गर्म पानी से और सर्फ डाल के मैंने इसे साफ़ कर लिया है, इसे अच्छी तरह पोंछ लिया है। इवन मेरा जब भी कोई जूना ख़राब होता है तो मैं उसे थ्रो नहीं करती, उसे रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं चिमनी साफ़ करूँगी तब मैं उस जूने को फेंकूँगी, क्योंकि वो जूना इतना ऑयली हो जाता है कि उसके बाद आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। मैंने अच्छी तरह से ऐसे साफ़ करके ऊपर से चिमनी को गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे कपड़े से पोंछा और इस तरह ये पूरी अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। अब वापस मैं ये जो नट्स मैंने निकाले थे इसमें से, वो नट मैं इसमें कस दूंगी और इस तरह ये लग जाएंगे। इसको खोलना और लगाना बहुत आसान है, इसमें 7-8 मिनट लगते हैं आपको चिमनी साफ़ करने में। और ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं बनाती रहूँगी, आगे भी लाऊँगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू पूछिए। थैंक यू, स्टे ट्यून विथ मी, बाय।